Please subscribe to Tiny Dreams channel. Press the bell icon to get more updates. पर पीली रानी, सनी तुम क्या लिख रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ दीदी। मेरी मैम ने फ्रेंडशिप पर एक कहानी लिखने के लिए कहा है। ओ अच्छा, मुझे दोस्ती की एक अच्छी कहानी पता है। कौन सी कहानी दीदी? पर पीली रानी। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत भद्दी हो जाती थीं। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था, उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। ये टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे, कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में छुप गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा, जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई। और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त मिनी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और मिनी बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। ओ, मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चली जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब मिनी रोने लगी तो मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़े स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आंखें निकल गया। उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़े स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। मिंटू इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। यह बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से मिंटू मंत्रमुग्ध हो गया और वह मिनी और बाकी सबको भूल गया।
और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहां घर पर मिनी मिंटू की तलाश करती रही। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछती थी, पर मिंटू किसी को नहीं मिला। शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। मिनी ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा, पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसीलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। मैं मिंटू को कहाँ ढूंढूं? वह अब कहाँ होगा? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तभी एक छोटी सी नाव मिनी के पास आकर रुकी। मिनी उसमें चढ़ गई और नदी के बहाव से आगे बढ़ती गई। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ती गई। एक अनजान स्थान पर थी, एक जंगल में, जहां जाकर नाव रुक गई। ये मैं कहां आ गई? उसने एक बारहसिंगा से पूछा। टीपू जंगल। क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। बारहसिंगा मिनी को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा, जब तक वो बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुंच गए। मिनी वहां की ठंड से घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वो उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा, पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब मिनी ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गई और रोने लगी, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगी। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नरम हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से मिनी को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुश हो गए। मिंटू चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद मिंटू और मिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए।